जिंदगी एक सिक्का मान लो, जिसको किसी ने कमाया, किसी ने गवाया, किसी ने खोया, किसी ने पाया, किसी ने खर्च कर दिया, किसी ने बचाया, किसी ने बिताया और किसी ने बस काट लिया किसी तरह। तो फिर इस जिंदगी को जिया किसने? इस जिंदगी को जिया उसने जो टूट गया, किसी की ख्वाहिश पूरी करने को टूटते तारे की तरह। तो जाना, जब बात जिंदगी की हुई है तो जिक्र तुम्हारा भी आएगा। जब बात जिंदगी की हुई है तो जिक्र तुम्हारा भी आएगा, क्योंकि जाना, सर से पांव तक हमने खुद को आपके नजरानों में ही सजाया है। जरा सुनो तो कि ये जिंदगी तुम्हारे बिना भी खूबसूरत कम न थी, ये जिंदगी तुम्हारे बिना भी खूबसूरत कम न थी। फिर तुम आए और नए एहसास लाए, मेरी रूह खिली, एक नई मैं से मैं मिली। तुम संग लम्हे बीते, यादें बनी और उन लम्हों में बीती मेरी पूरी जिंदगी। क्या कहा, पूरी? नहीं नहीं नहीं, पूरी जिंदगी जी नहीं है अभी, और जीनी बाकी है, और बाकी बची जिंदगी को भी दरकार है सिर्फ तुम्हारी। क्योंकि अब जो जिंदगी में तुम ना रहे तो मैं भी कहाँ रहूँगी, और जिंदगी भी तो नहीं रहेगी। तो अब तो तुम्हें पता है ना कि जिंदगी तुम्हारे बिना भी खूबसूरत कम न थी, पर ये जिंदगी तुम्हारे बिना मुकम्मल न थी। So we talk about men in love, and I believe that a man in love is the most beautiful creation of God. बहुत underrated होती है उनकी feelings, क्योंकि बोलते नहीं है। दुखी होते हैं पर बोलते नहीं है, खुश होते हैं पर बोलते नहीं है। He feels proud of you, पर बोलते नहीं है। रोने का मन करता है पर बोलते नहीं है। तो ताकि वो कुछ बोल सके तो एक request किया था उनसे, सुनो ना, क्यों इतने उदास हो? क्या कोई नाराजगी है तुम्हें मुझसे, या फिर खुद से ही नाराज हो? कहो ना, अगर गम है कोई सताता तुम्हें तो खुशी मुझसे मांग लो। अगर फिर भी उदासी साथ ना छोड़े तो सारी हंसी मेरी मांग लो। तुम कीमती नहीं, अनमोल हो, ये बात मेरी मान लो। जो खुद की नज़र से ना देख सको तो नज़र मेरी मांग लो। खुशी से ना तुम डरा करो, खुशी से ना तुम डरा करो, तुम सारी हिम्मत मेरी मांग लो। मैं हंसते हंसते सब दे दूँ, तुम मुझसे मुझको मांग लो। सुनो ना, क्यों इतने उदास हो? क्या कोई नाराज़गी है तुम्हें मुझसे, या फिर खुद से ही नाराज हो? कहो ना। तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ या पार्टनर्स कह लो, इनके बीच में नोकझोंक चलती रहती है, ठीक है? क्योंकि नोकझोंक ही है जो प्यार को हवा देता है। प्यार धीमी आंच पे पकता है तो जल क्या रहा होता है, यही नोकझोंक जल रही होती है। कहते हैं ना, प्यार को धीमी आंच पे पकाना चाहिए, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, मतलब उसको बढ़ने दो, बढ़ने दो, बढ़ने दो, और पागलपन बन जाने दो, पागल हो जाओ एकदम, जैसे मैं हूँ। तो बैठी मैं अपने महबूब के पास, तो जो बातें हुई उनका जिक्र करती हूँ। तो आज फिर आ बैठे उनके पास, तो आज फिर आ बैठे उनके पास, इरादा था कि आज लेंगे उनका इम्तिहान। सोच रखे थे हमने कुछ पेचीदा से सवाल, आज तो जनाब का दिल हम लेंगे खंगाल। तो शुरू हुआ हमारे सवालों का सिलसिला कुछ यूं। हमने पूछा कि आखिर क्या भर रखा है आपने, यादों की संदूक में अपने,
क्या कुछ छुपाकर मुझसे संभाला है आपने? उन्होंने कहा, तुम्हारे माथे की शिकन, तुम्हारी नाक पर बैठा गुस्सा, तुम्हारे आंखों की चमक, तुम्हारे पलकों की नमी, तुम्हारे गालों की लाली, तुम्हारे अधरों की हंसी, तुम्हारे मुख की बोली और उस आवाज़ की खनक, तुम्हारे कंधों का बोझ, तुम्हारे मन की उदासी, तुम्हारी सिसक और मौन, तुम्हारे बाहों की नरमी, तुम्हारी गोद का सुकून, तुम्हारे हाथों की छुअन, तुम्हारे पैरों के निशान और तुम्हारे होने का एहसास, जिन्हें महसूस करने के लिए संभाल के रखे हैं मैंने बिस्तर की सिलवटों से चुने तुम्हारे कुछ टूटे बाल। बस मेरे हिस्से में इतना ही हिस्सा रहा तुम्हारा, बस जिंदगी की किताब में इतना ही हिस्सा रहा तुम्हारा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, मतलब हम लोग बोल नहीं पाते, स्पेशली जो हमारे पार्टनर्स हैं, जो हमारे मेल मेंबर्स होते हैं ना, वो बोल नहीं पाते, तो उनको बुलवाना पड़ता है। तो ऐसा मैं बिलीव करती हूँ कि मतलब एक लड़की तो हर पल चंचल रहती है, एक लड़की जो होती है वो हर पल चंचल रहती है, लेकिन अगर कोई मर्द चंचल है तो वो तुम्हारे प्यार में पागल है, ये समझो। थैंक यू सो मच।